गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू द सनबीम स्कूल सुल्तानपुर। ऑनलाइन क्लासेस विल बी स्टार्टिंग एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 3 यूएस हेजमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बिफोर वी अंडरस्टैंड कंसंट्रेट ऑन अमेरिकन पावर। इन प्रीवियस वीडियो ग्रोथ ऑफ यूनिलैटरलिज्म अफगानिस्तान फर्स्ट गुल्फ वार रिस्पॉन्स ऑफ टू 9/11 एंड अटैक ऑन इराक। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अफगानिस्तान के ऊपर जो अटैक हुआ था और 9/11 जो अटैक था उसके बारे में डिस्कस करा था, और उसमें हमने देखा था जो यूएस था वो एक सुपर पावर के रूप में उभरा था। इन दिस वीडियो वी डिस्कस, अब जब जो यूएस था वो एक सुपर पावर के रूप में उभरा, तो अब सारी जो पावर थी लोग जो वर्ल्ड था वो उसको एक सुपर पावर के रूप में जाने लगा। लेकिन अभी भी कई ऐसे रीजन थे जो अमेरिका की जो पावर था उसको कॉन्स्टेंट यानी प्रतिबंध था कि अपनी पावर का कहीं ना कहीं मिसयूज ना कर ले। तो सो थ्री कॉन्सेंट्रेट थे अमेरिकन पावर के ऊपर। फर्स्ट, दे आर द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द अमेरिका इज द फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट। जो अमेरिका का स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो पावर थी उसको कॉन्सेंट्रेट उस पर प्रतिबंध करता है। कि द सेकेंड कॉन्सेंट्रेट इज डोमेस्टिक इन नेचर एंड स्टेम फ्रॉम द ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। जो वहाँ की सोसाइटी है वो क्या है, फ्री है या ओपन है, वहाँ के लोगों की सोच वो। सो देयर इज अ डीप स्पेक्टिज्म रिगार्डिंग द पर्पस एंड मेथड्स ऑफ गवर्नमेंट इन अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर। इस रीजन से क्या था, जो वहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो ओपन है, यानी अगर जैसे ओपोजिशन है अगर कुछ रॉन्ग वर्क तो उसके बारे में उसके अगेंस्ट क्वेश्चन पुटअप करता है कुछ भी। तो ये ना कहीं ये सब चीजें कि अगर वो अपनी पावर का मिसयूज कर रही है वहां की गवर्नमेंट वहां के रूल, तो वो कर नहीं सकती क्योंकि हर चीज ओपन हो जाती है। सो द थर्ड कॉन्सेंट्रेट ऑन अमेरिकन पावर इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, जो उसका नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेंट्रेट था, प्रतिबंध था अमेरिकन पावर पे है, वो है नाटो, विच इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरनेशनल सिस्टम दैट कुड पॉसिबली मॉडरेट द एक्सरसाइज ऑफ अमेरिकन पावर। जो क्या कहते हैं अमेरिकन पावर के अगर कोई भी या प्रशिक्षण कहना मीन्स कोई भी किसी चीज का, जैसे किसी रॉकेट का या कोई एटम बम का या कुछ भी अपना वो कहते हैं प्रशिक्षण करना चाहते हैं, तो नाटो जो है उस पर रोक लगा सकता है। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज रिलेशन विद द यूएस। ड्यूरिंग द कोल्ड वार इंडिया क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन। जब सेकेंड कोल्ड वार हुई थी तो ड्यूरिंग कोल्ड वार के टाइम क्या हुआ था, जो इंडिया था वो काफी क्लोज आ गया था सोवियत यूनियन के। ओवर द ईयर्स इंडिया डिसाइडेड टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी एंड इंटीग्रेट इट विद द ग्लोबल इकोनॉमी। इंडिया ने डिसाइड किया कि हम जो हमारी इकोनॉमी है उसको ग्लोबल इकोनॉमी, यानी जो हमारे बिजनेस है वो देश विदेश में फैले, इसके लिए दिस मेड इंडिया एंड अट्रैक्टिव इकोनॉमिक पार्टनर फॉर अ नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएसए। तो काफी कंट्रीज के रीजन से सबसे बेस्ट उसे अपना यूएस लगा, अपने इसमें एक अट्रैक्शन की इकोनॉमिक के लिए सबसे बेस्ट लगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। टू न्यू फैक्टर्स इमर्ज इन इंडो यूएस रिलेशन इन रिसेंट ईयर, दे इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन जो है इसका वो है, नंबर टू द रोल ऑफ द इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा मीन्स जो यहाँ के जो NRI जाते हैं ये सब। दे आर थ्री डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इंडिया शुड हैव विद यूएसए। अब जो थ्री डिफरेंट स्ट्रेटेजी थी जिसके जो दे आर थ्री डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू डिसाइड डिफरेंट स्ट्रेटेजी थी व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इंडिया, किस तरह की रिलेशनशिप रखी इंडिया। दे आर एज फॉलोज, द इंडिया एनालाइज्ड हू सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन टर्म ऑफ मिलिट्री
मिलिट्री पावर जो थी वहां की उसके से, तो ये सोचा गया कि जो इंडिया है वो इससे कहीं ना कहीं हट जाए, डिस्टेंस बना ले और अपनी जो मिलिट्री पावर है उसको इंक्रीज करे, अपनी ऑन नेशनल पावर को इंक्रीज करे। अदर एनालिस्ट सी द ग्रोइंग कन्वर्ज ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द यूएस एंड इंडिया एज ए हिस्टोरी, लेकिन कुछ जो एनालिस्ट थे वो देखते थे कि इंडिया इंडो यूएस जो फ्रेंडशिप है ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आगे फ्यूचर के लिए। अ थर्ड ग्रुप ऑफ एनालिस्ट एडवोकेट दैट इंडिया शुड टेक द लीड इन एस्टैब्लिशिंग द कोलिशन ऑफ कंट्री, लेकिन जो थर्ड एनालिस्ट थे उनके रीजन था कि जो इंडिया है वो जो डेवलपिंग कंट्री है उनको एक गुड करके एक न्यू मतलब एक नई शक्ति के रूप में। सो इंडिया यूएस रिलेशनशिप आर टू डिफिकल्ट टू मैनेज बाय स्टॉल स्ट्रेटजी, कहीं एक चुराई हुई जो स्ट्रेटजी थी देयर शुड बी एक डिफिकल्ट हो गई थी, देयर शुड बी मिक्सिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी ऑफ डील विद द यूएसए। सो स्टॉल स्ट्रेटजी होने के कारण जो फॉरेन मिक्सिंग पॉलिसी थी ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गई थी, इवन डिफिकल्ट है थी भी और है भी इंडो यूएस रिलेशनशिप के लिए, बट कहीं ना कहीं अब मोदी जी ने इसको इजी कर लिया। लेकिन अभी भी आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि जो सुपर पावर दब रहा है, तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं वो अपनी एक क्या कहते हैं अपना रूप दिखा देता है। वो कहीं ना कहीं COVID-19 के ले लीजिए, उसके लिए ट्रम्प के कुछ आप डिसीजन सुनिएगा तो ऐसा लगता है कि वो एक हमें एक चेतावनी से दे रहे हो या हमारे लिए कि हम ऐसा अगर हमने उनका साथ नहीं दिया तो यहाँ से वो अपना बिजनेस हटा लेंगे या कुछ, मतलब एक तरह की धमकी देना। ओके नाउ नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ हेजमनी एंड हेजमनी एज ए हार्ड पावर। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी